अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लॉक मेकिंग मशीन के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो इंटरलॉक ब्लॉक हैं जो कि वर्ल्ड वाइड जो है न्यू अभी एक प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। और इसमें जो है ये इंटरलॉक ब्लॉक इस तरह से काम करते हैं, ये वाले जो आप प्लांट देख रहे हैं ये GSM-35 मॉडल है। इंटरलॉक के लिए पाकिस्तान में जो है वो पहली बार ये वाला जो प्लांट है वो इंस्टॉल किया गया है, जिसके ऊपर जो है वो डबल वाइब्रेशन है, ठीक है, डुअल वाइब्रेशन है हेड एंड वाइब्रेशन बेड की भी, ठीक है, और डबल फोर्स इसमें जो है हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। इंटरलॉक जो ब्लॉक हैं ये होते हैं कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर दिए जाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट टू ब्रैकेट इनको ज्वाइंट करते हैं और कंस्ट्रक्शन जो है वो होना शुरू हो जाती है। इसमें जिस तरह दूसरे ब्लॉक के ऊपर सीमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगाना होता है चाहिए होता है, उस तरह से नहीं होता, ये जस्ट इसमें एक मेल से फीमेल में ज्वाइंट करते जाना है और जो है वो बिल्डिंग जो है वो बनती जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लांट है इसमें बैचिंग प्लांट होता है और मिक्सर मशीन्स होती हैं, ठीक है, कंप्लीट इसका प्रोसेस है। ये वाले इंटरलॉक ब्लॉक हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाले इसमें एक मेल से फीमेल जो है आपस में फंसाते जाना है और जो है वो दीवार बनती जाती है। इसमें सीमेंट वगैरह जो जैसे दूसरे कंट्रोल होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाला न्यू ट्रेंड जो है पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसके हवाले से जो है ये वाले प्लांट की आप प्रोडक्शन सामने देख रहे हैं। इसमें जो है बैचिंग प्लांट है, बैचिंग प्लांट में रेत बजरी सीमेंट का वजन होता है, फिर मिक्सर मशीन में जाके उसको मिक्स करता है, उसके बाद फिर प्रोसेस होकर ये प्लांट में आ जाता है। जो पीछे वाला आपको हॉपर नज़र आ रहा है उधर बेस मटेरियल होता है, रेत बजरी सीमेंट होता है, उधर से फिर आगे मटेरियल फॉरवर्ड होता है सेंट्रल पोर्शन में जहाँ पर ये वाइब्रेशन ऑन हो रही है और जो प्रोडक्ट बनती हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट हॉपर आपको नज़र आ रहा है ये कलर वर्क के लिए होता है, जो कि टॉयल के लिए कलर होता है या कर ब्लॉक के लिए कलर लगता है, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन में कलर, उसके बाद आगे यहाँ से ब्लॉक निकल के आगे जाके स्टॉकर में स्टॉक हो जाता है और लिफ्टर आता है उठा के लेके चला जाता है। ये वाला इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है भाई, इसमें जो है वो 8 मॉडल हैं पाकिस्तान में हमारी कंपनी गोल्डन स्ट्रीट मिल्स के पास, ठीक है। इसमें जो है वो आप मिनिमम से लेके हाईएस्ट रेंज और प्रोडक्शन के हिसाब से आप मॉडल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें बैचिंग प्लांट भी है, बग़ैर बैचिंग प्लांट के भी हैं, स्टॉकर है, फिंगर कार तक और कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन मुख्तलिफ मैस के हवाले से, मुख्तलिफ टूल्स के हवाले से जो है वो मौजूद है। तो इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं goldenstreetmills.com या डायरेक्ट हमारे फ़ोन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कोई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैचिंग प्लांट हैं, स्पाल प्लांट हैं, स्टील बिल्डिंग्स के हवाले से, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।